सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज होमोजेनियस इक्वेशंस। अच्छा भाई, होमोजेनियस इक्वेशंस आपके पास किस फॉर्म की होती हैं? होमोजेनियस इक्वेशंस आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये इस फॉर्म की बन रही होती है, ठीक है। जहां पर मैंने एक बात यहाँ पर नोट डाउन की भी है, वेयर एम और एक्स कॉमा वाई एंड एन एक्स कॉमा वाई आर होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ द सेम डिग्री इन एक्स एंड वाई। मतलब ऊपर आपके पास डिग्री, आपके पास जैसे टू है तो डिनोमिनेटर के अंदर भी डिग्री क्या होनी चाहिए? टू होनी चाहिए। तो दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर होमोजेनियस इक्वेशंस। लेट्स सी द एग्जांपल्स। अच्छा, एग्जांपल्स आपके पास क्या है? देखो, लेट सपोज आपके पास ये इक्वेशन, यहाँ पर आप देखो ऊपर डिग्री टू है और नीचे भी डिग्री क्या है? टू है, राइट? यस और नो? और अगर इस क्वेश्चन को देखो तो भाई ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी डिग्री क्या है? वन है, ठीक है भाई। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर आल्सो होमोजेनियस इक्वेशंस। एंड द थर्ड वन इज लेट्स सी, ऊपर क्या है डिग्री? थ्री है और नीचे भी डिग्री क्या है? थ्री है। क्लियर हो रहा है? अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि अगर लेट सपोज आपके पास इस टाइप की क्वेश्चंस, ऊपर डिग्री क्या है? टू है, लेकिन नीचे डिग्री क्या आ रही है? नीचे वाली की डिग्री आ रही है वन। तो दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नॉट होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल कि अगर आपके पास लिखा हो वाई स्क्वायर प्लस टू और नीचे क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दीज इक्वेशंस आर नॉट होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर हो रहा है? यस और नो? लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई ए होमोजेनियस इक्वेशन। कोई भी फंक्शन होमोजेनियस कब कहलाता है? जब आपके पास वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा। लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवेन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये होमोजेनियस है ऑफ डिग्री टू। कैसे कह दिया हमने? क्या किया हमने? एक्स और वाई की जगह जेड एक्स और जेड वाई पुट कर दिया, ठीक है। जेड एक्स और जेड वाई जब पुट किया तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही होगी, इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया जो मुझे गिवेन फंक्शन था। क्लियर हो रहा है? हाँ यार, द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई और उसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट होगी? जो भी आपने टर्म कॉमन ली होगी, सिंपल आप उसकी पावर देख लोगे तो दैट विल बी योर डिग्री ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। एक इक्वेशन लिखी हुई है कि आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन इस टाइप की भी होती है। फंक्शन क्या होगा? y अपॉन एक्स भी हो सकता है और फंक्शन x अपॉन वाई भी हो सकता है, ठीक है। अगर y अपॉन एक्स होगा, लेट्स सी, अगर आपके पास फंक्शन होता है, इक्वेशन आपके y अपॉन एक्स की फॉर्म में आती है, तो याद रखो हमें क्या करना पड़ेगा? y को सपोज करना पड़ेगा यू एक्स के, जो उसका प्रोसीजर होता है होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। लेकिन लेट सपोज अगर आपके पास होता है एक्स अपॉन वाई की फॉर्म, तो आपने क्या करना है? एक्स को सपोज करना है यू आई के, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं होगा, और फिर क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी। इज इट क्लियर? यस और नो? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डी डी क्या होती है? उसकी डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगी? उसकी डिफरेंशियल फॉर्म स्टूडेंट्स ये बनेगी, राइट। इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ बोथ कोफिशिएंट ऑफ फंक्शंस एम एंड एन आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। अच्छा भाई, स्टेप्स टू सॉल्व अ होमोजेनियस इक्वेशन, लेट्स सी। स्टेप वन क्या है आपके पास? वाई को आपने सपोज करना है किसके बराबर? यू एक्स के बराबर। आपने वाई को आपने यू एक्स के बराबर लेना है और उसके ऊपर देन डेरिवेटिव अप्लाई करना है एक्स के रिस्पेक्ट से। तो हमारे पास ये टाइप की इक्वेशन बन रही होगी, ठीक है। एंड व्हाट इज द स्टेप नंबर टू? सेपरेट द वेरिएबल्स यू एंड एक्स एंड इंटीग्रेट ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, और आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी, सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।